श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा तैयार था उस तट पर पहुंचने के लिए जो अमृत से भरी हुई थी। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि मौनी अमावस्या के लिए इतना विशाल भीड़ उमड़ चुकी थी तट के पास, माँ गंगा के पास। जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो इस तरह से भीड़ हो गई, आप देख रहे होंगे साधु संन्यासी जय जयकार लगाते हुए पहुँच रहे। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अपने साधु संत लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो बाबा जी आप बताइए देशवासियों के लिए आज की मौनी अमावस्या मंगलमय हो और गंगा मैया सबका भला करे और देश में राम मंदिर जल्दी बने। तो बाबा जी, आप ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, आज कितना भीड़ हो सकती है यहाँ पर? हमें ऐसा लगता है कि लगभग 5 करोड़ जनता होगी। 5 करोड़ जनसंख्या आज यहाँ पर स्नान करने के लिए आएगी ना? तो जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों, बाबा जी का कहना है कि 5 करोड़ जनसंख्या आज यहाँ पर स्नान करने के लिए आ सकती है। आज जो है 5 करोड़ जो जनता नहा रही इस भावना से कि उसको पुण्य मिले और देश का भला हो, क्योंकि हिंदू संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना सबका भला चाहती है। तो ये पावन पर्व पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, मानवता के संदेश देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि कहना क्या है अपने देश के संतों का, वो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कोई मामूली भीड़ नहीं, कोई मामूली जनसंख्या नहीं, कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या में लोग आ रहे हैं माँ गंगा के तट पर स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभार यहाँ तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वह भी हार जाती है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पर। हम आपको बता दें, जो मीडिया पर्सन थे, जो कैमरामैन थे, वो लोग पानी में घुसकर, पानी में हिलकर कवरेज ले रहे थे, क्योंकि यदि तट के बगल रहते तो उनको कवरेज ना मिले दोस्तों, और वो जनता के धक्के से देख सकते हैं कि लोग इस समय संगम के तट पर आ गए हैं। और यहाँ पर आप भव्य भीड़ देख सकते हैं, कितना ज़्यादा उत्साह है भक्तों में। और स्नान के तट पर तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि वहाँ पर पहुँचने में हम लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दर्शक हैं और यहाँ पर जो भक्त हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। तो बगल है हमारे, तो आप ये बताइए कि आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं? अरे, बहुत सुंदर मौनी अमावस्या का दिन है और गंगा का स्नान है। आज 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 आपको क्या महसूस हो रहा है? वाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर्दी तो खूब है लेकिन उसके बावजूद आनंद आ रहा है। आज अच्छे होता है। जनसंख्या कितना यहाँ पर आ सकती है? यहाँ पर जनसंख्या का तो अंदाज में नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 2-2.5 करोड़ तो होनी चाहिए। तो 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या आज दर्शकों आ सकती है। आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं भक्त लोग यहाँ पर आए हुए। तो आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, गंगा माई के स्नान हो रहे हैं। अपने आशा लगा के आए हैं गंगा माई के स्नान हो जाए, भीड़ भाड़ बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कुंभ में जिस तरह से व्यवस्था है, आपको क्या क्या कहना है व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, 1 नंबर की व्यवस्था। तो जैसा कि आप दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों में काफी उत्साह है और यहाँ पर जितने भी भक्त हैं हर घर गंगे का नारा लगा रहे हैं। और जनसंख्या आज इतना ज्यादा, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है दोस्तों। दर्शकों, आपको बता दें कम से कम 3 करोड़ से 4 करोड़ जनसंख्या आराम से आज पहुँचने वाली है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना है आज के दिन आपको? आज बड़े में बड़ा दिन है हिंदुस्तान में, ये पर्व पूरी दुनिया के अंदर ये बड़े में बड़ा पर्व है। बिन बुनाए 25 से 30 करोड़ लोग आएंगे, कम से कम 50-60 देशों की संख्या होती है, ऐसा ये मेला भरेगा। हर हर महादेव।
एक बात है कि हम बंगाल से आए, हमको यहाँ को जो व्यवस्था है अच्छा लगा, लेकिन हम लोग जब अलावाज स्टेशन में उतरे हैं, उतरने के बाद कोई इंक्वायरी वहाँ पर नहीं था, जो हम आएंगे सेक्टर में पहुँचने का कोई सरकार का कोई व्यवस्था नहीं था, वहाँ का इंक्वायरी होना चाहिए। इतना बड़ा मेला के इंतजाम किया लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं किया, आदमी पैदल वहाँ से चला, बुढ़ा बुढ़ी, इसको हमको खराब लगा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तो अच्छा हुआ। आप ये बताइए कि आपको आकर यहाँ क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है कुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि ये इतना जरूर है कि लोगों को पैदल चलने की दिक्कत हो रही, बाकी साफ सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है, टॉयलेट आदि की व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था साफ सफाई के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत दोस्तों आप दर्शकों देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि भक्त लोगों का कहना है कि योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, तो आपको क्या कहना है बाबा जी? बस योगी और मोदी जी की जय हो। योगी जी ग्रेट, योगी जी ग्रेट, मोदी जी ग्रेट, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिस तरह से पहले कुंभ में व्यवस्था होती थी उसके मुकाबले ये व्यवस्था किस तरह से? काफी अच्छी मानी जा रही है। मैं पिछले थी, ये चौथा कुंभ है, पहले कुंभ था, फिर अर्ध कुंभ, फिर कुंभ, अभी ये चौथा अर्ध कुंभ, लेकिन ये अर्ध कुंभ है लेकिन इसको कुंभ दिया गया नाम, क्योंकि किसी आधे चीज का पूजा अधूरे चीज का नहीं किया जाता, इसलिए तेरह अखाड़ों ने मिलकर के इसको कुंभ को अर्ध को हटा करके कुंभ हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर हर गंगे कुंभ का रूप दिया गया है इसको, बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ, दिव्य कुंभ महाकुंभ में तब्दील किया गया। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये कुंभ का व्यवस्था कुंभ में किया जा रहा है अर्ध कुंभ में, जब महाकुंभ आएगा अपने प्रयागराज में, तो वहाँ किस तरह आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कैसा व्यवस्था रहेगा? इससे अच्छी व्यवस्था रहेगी जैसे हम लोग कल्पना कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी रहेंगे तो सरकार ऐसे ही, इससे अच्छी व्यवस्था होगी, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई, इतनी सड़कों की, सफाई की, हर प्रकार से व्यवस्था अच्छी है। तो जैसा कि आप दर्शकों देख रहे हैं, भक्त लोगों का कहना है कि पूरी तरह से हम खुश हैं प्रयागराज में आकर, माँ गंगा के तट पर आकर। क्या कहना है? जिससे पहले जो कुंभ था उसमें आजम खां की सरकार थी, बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं थी, पब्लिक परेशान थी, न जल की व्यवस्था, न कोई व्यवस्था, योगी सरकार ने, मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो अभी तक नहीं हुई है, ऐसी व्यवस्था भाजपा लाना है। अगली बार 2019 में फिर मोदी सरकार आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो माताएं बहनें आई हुई हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कभी नहीं हुआ ना होगा। आपको कोई कठिनाइयों का सामना? कोई परेशानी नहीं, कोई, बहुत अच्छी, ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, पूरी तरह से खुश हैं आप देख सकते हैं। तो कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं राज, आप देख रहे हैं राजसो।